प्रणाम दोस्तों, आपके YouTube चैनल में, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। अगर सच को दबाना हो ना तो जोर जोर से चिल्लाइए। यही काम भारतीय जनता पार्टी वाले ने किया। आज हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं। माननीय विधायक जसपुर विनय भगत जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के द्वारा तमाम विकास कार्य करोड़ों रुपए किए जा रहे हैं, और उनको जब सुनने का मौका आया तो ये बीजेपी के लोग हाय तौबा करने लगे। यहाँ तक कि आप देखेंगे पत्रकार के साथ में वो खींचातानी भी करने का प्रयास किया और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके सच को दबाने का प्रयास किए। लेकिन पूरी जनता जानती है, पूरे विधानसभा के लोग जान रहे हैं कि अभी कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे जो विधायक अच्छा काम कर रहे हैं, और सच को चिल्ला चिल्ला के दबाया नहीं जा सकता है। देखिए उनकी करतूत को और कैसे दबाने का प्रयास किया। चलिए YouTube में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप और चाहे जसपुर ना जसपुर में हम आम जनता जनप्रतिनिधियों के बीच में मौजूद है, जानेंगे कि कितने दावे पूरे हुए हैं, कितने वादे अधूरे हुए हैं, क्या दावे धरातल पर विकास नजर आ रहे हैं इन 4 सालों में। देखिए, इस 4 साल में विकास तो जसपुर में हुई है। जितना विकास हुआ है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब विकास हुई है। भूपेश बघेल केवल घोषणा पत्र में ही रह गए, कोई भी घोषणा पत्र आज तक, घोषणा पत्र में जो घोषणा किए थे कोई भी काम धरातल पर दिख ही नहीं रही। मैं विधायक जी से कहना चाहूंगी कि 9 किलोमीटर जो सन्ना का सड़क है, अगर सरकार में दम है तो सड़क जल्दी से बनवाए, उसमें भी केंद्र सरकार की राशि। चलिए, जो विकास हुए हैं वो सब भाजपा वाले करवाए हैं, कांग्रेस कुछ नहीं करवाई है। कांग्रेस 4 सालों में वाकई में कुछ नहीं करवाई है। 15 सालों में सिर्फ रमन सिंह आए और रमन सिंह ही करके चले गए। ये जो सोनकारी का पुलिया अभी माननीय विधायक जी ने अपने लेटर पेड पे घोषणा करवा करके, उसका टेंडर पूरा हो चुका है, वो काम चालू होने वाला है, है ना। वह पुलिया जब भारतीय जनता पार्टी के सरकार में बना था तब उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त वहां के विभाग के अधिकारी, विभाग के इंजीनियर को फरारी काटना पड़ा था। इनके अपने नेता यही जगह है जहां पे धरना दे करके उसके खिलाफ पोल खोले थे। भारतीय जनता पार्टी का जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे और रायगढ़ में जब एक शिविर होता है तब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को रायगढ़ में कहना पड़ता है कि आप 1 साल के लिए कमीशन लेना छोड़ दो, हम आगे 15 साल तक राज करेंगे, है ना। भ्रष्टाचार की बात ये लोग करते हैं। महिलाएं आज जितनी सुरक्षित है, भूपेश बघेल जी ने जितनी महिलाओं का स्व सहायता समूह बना करके महिलाओं को जो प्रोत्साहन दिया है, आज गाँव गाँव की महिलाएं विकसित है, गाँव गाँव की महिलाएं मजबूत है, अपने कदम पे खड़े होकर के काम कर रही है। विकास की बात विनाश की बात करें तो मैं उदाहरण दूंगा, हर वक्त भ्रष्टाचार का प्रमाण मिलेगा कि जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री का सचिव जेल में है और उसके बाद हम कहें कि अब देश इस प्रदेश में विकास हो रहा है। विधानसभा के विकास की बात करें कितना नजर आया विधानसभा भी? बिल्कुल कहीं कोई विकास नहीं है, और जो परिस्थितियां 50-60 साल पहले की थी आज भी वही परिस्थितियां निर्मित हैं। कोरवा बेचारे आज भी पैदल चल रहे हैं, आज भी उनके शरीर में कपड़े नहीं है, आज भी उनके पास खाने के लिए दूसरे टाइप का कोई भोजन उपलब्ध नहीं है, तो इसको हम कैसे विकास कर सकते। चलिए, कोरवा जनजाति की बात करें, विकास कहीं नजर नहीं आ रहा है, कि क्या लगता है आपके विधानसभा क्षेत्र में आपके विधायक ने कितना विकास किया? हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमारे विधायक जी ने बहुत विकास किया है। आज गांव गांव के लोग विधायक जी को पर्सनली जानते हैं, और गांव गांव में जो उन्होंने आज काम दिया है, आज धर्म के नाम पे जो राजनीति बीजेपी करती थी उस धर्म के राजनीति को उन्होंने खत्म करने का काम किया है। आज गांव गांव में मंदिर का निर्माण हो रहा है। यहाँ महुआ है, हमारे एक वरिष्ठ नेता है, उनके गांव पड़ता है महुआ, गद्दी में भी रामचरण पादुका मंदिर हुआ करता था, वहाँ का स्थिति इतना दयनीय था
कि वहाँ मंदिर बहुत अति आवश्यक था। वहाँ विनय भैया ने 4 लाख रुपया देकर मंदिर निर्माण कराया है, वो निर्माण पूरा हो गया है। हमारे क्षेत्र लोखंडी क्षेत्र में हमारे झोलका क्षेत्र में कुड़िंग महुआ टोली के पास हमेरा टोली है, अलापानी है, वहाँ पास इन्होंने हनुमान मंदिर का निर्माण कराया। हमारे यहाँ राजा लोग जहाँ जाकर पूजा करते थे, पहले हमारे नायक साहब हुआ करते थे। आरा क्षेत्र में जो हमारे समाज का क्षेत्र हुआ करता था, वहाँ उन्होंने 13 लाख रुपया का देवी गुड़ी बनाकर पूरे हिंदुत्व का काम किया है और हिंदुत्व का मुद्दा को खत्म किया है। नजर आ रहे हैं लगातार जाति और विधानसभा में धर्म परिवर्तन की बात भी बहुत नजर आई है। देखिए पूर्ण धर्म परिवर्तन सबसे ज्यादा अगर किसी में विकास हुआ है तो यहाँ पे चर्च का होता है। कांग्रेस की सरकार में इतने कोविड काल में इतने धर्म परिवर्तन हुए, और यहाँ कोविड के समय में जब हॉस्पिटल में थे तो धर्म के अनुसार इलाज होता था। ये जशपुर जिला में होता था, अगर कोई हिंदू जाता था उसको रेमडेसिविर नहीं दिया जाता था, और वहीं पे अगर कोई विशेष समुदाय का लोग जाता था उसको रेमडेसिविर दिया जाता था। और दूसरी बात, राजीव गांधी जी ने बोला कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं तो जशपुर में 10 पैसा पहुँचता है। एक बात बोल रहे हैं, 10 पैसा में बेच रहे हैं, आज आपको बता रहा हूँ विकास हो पाया है। इससे कहाँ है सर, क्या है ना, ये तो नहीं हुआ कर रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, पूरे विधानसभा में तुम लोग आपको पब्लिक बताया कि विकास हुआ है। ये धर्म की बात नहीं करूँगा। ये कोरवा के नाम से, पहाड़ी कोरवा के नाम से राजनीति शुरू से रोती सके हैं, बताया कितने को नौकरी लगा है। लेकिन माननीय विधायक जी, माननीय विधायक जी 150 प्रधानमंत्री कोरवा